हम लोग याद करेंगे 2019 से पहले किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणा, बड़े बड़ा वादा करके जनता को गुमराह करने का काम किया था, ठगने का काम किया, बेवकूफ बनाने का काम किया। और पौने चार वर्ष हो गए, एक भी वादा को पूरा करने का काम बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है। ठगने का छलने का लोगों ने काम किया है। सिर्फ ये चुनाव में समय आता है, फिर कोई मेरी बात बोल रहे सुन रहे की 50 करोड़ 100 करोड़ का घोषणा करके हेमंत सोरेन जी यहां से चले गए हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर कुछ होना नहीं है। सिर्फ ठगना है लोगों को, जान में बिछाना है, जहां तुम दूसरे बचाने के लिए आए हैं। लेकिन दूसरे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी चुनाव गरीब किसान मजदूर की चिंता करते हैं और हर योजना के पीछे का केंद्र बिंदु होता है गरीब होता है, गांव होता है, किसान होता है, मजदूर होता है, शोषित होता है, वंचित होता है, आदिवासी होता है, पिछड़ा होता है, सब सबका सबका साथ सबका विकास होता है। हर एक प्रकार की योजना अब कल्पना करें, किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के सबसे प्रधानमंत्री जी 2000 रुपया प्रत्येक 4 महीना में प्रत्येक किसान को भेजने का काम करते हैं। जब कांग्रेस का शासन था तो 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे हमको होता था, 85 पैसे कांग्रेस के बिचौलिया और माफिया खाने का काम करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी देश से जब भेजते हैं दिल्ली से 2000 रुपया तो 2000 रुपया किसान के खाते में जाता है। नरेंद्र मोदी जी का दंग है कि गांव का गरीब व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, परिवार का कोई भी सदस्य पैसे के अभाव में जब तो उसी मौत न हो जाए। इसलिए व्यक्ति के बारे में चिंता के आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का योजना देने का काम किया है, ताकि कोई व्यक्ति तब तो उसकी मौत न हो जाए। देश के किसी भी अस्पताल में जाकर उसके अस्पताल में विकास की टीम ने गांव के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचने का काम करती थी, लेकिन आज सारा का सारा धरा लग गया। विकास का 5-4 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। दिन दहाड़े गोली मार के हत्या की जाती है। आपका सर्किट हाउस ग्रामीण राजधानी का मुख्य दरवाजा, उसके सामने डीसी और एसपी आता है, उसके दरवाजे के पास गई देखती चूस लेता था। 8 दिन पहले दोनों भाइयों पर गोली मार कर चोरी हत्या कर दी जाती है। आगे कैसे से बात चल रही है। 4 दिन पहले बाल मार करके बाल मार का कुछ जिला परिषद अध्यक्ष रामकृपा हुआ करते थे, थाना के बगल में नाक के नीचे उसकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। संध्या टोप में जो गरीब आदिवासी की बेटी थी उसकी हत्या लोगों ने कर दिया, आज तक उसका हथियार पकड़ा नहीं गया है। कैसे आदिवासी और गुरुवासी की बात करते हैं। उसी प्रकार रूपिका पाल या साहेबगंज आदिवासी की बेटी थी, उसके 35 चुप लेकर के उसकी हत्या कर दी जाती है। इस सरकार के कानून में झूम कर देने के लिए किस प्रकार का सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं। और जसोदा देवी जी को, जो गरीब परिवार से आने वाली महिला है, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी आसूम ने उनको आशीर्वाद देकर के नामांकन कराने का काम किया है। और यहाँ की मांग होती है देवी मां को निकाल करके विधानसभा भेजना है। और जो लूटने वाली सरकार, हत्यारी सरकार, जनता जनविरोधी सरकार को फूल चटा के भेजना है।